अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका 2-3 साल हो गया है, आपका इकामा एक्सपायर है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है और आप एग्जिट जाना चाहते हो, फिर भी आपका कफ़ील नहीं भेज रहा है एग्जिट, तो आप कैसे जा सकते हो। इसका एक तरीका मैं बताऊंगा, जो तरीका अगर आप फॉलो करते हो तो आप आराम से एग्जिट जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपका कफ़ील कुछ कर सकता है, न कोई प्रॉब्लम होगी, आप जाकर वापस दोबारा फिर नए वीजे पे भी आ सकते हो। मैं आपको बता दूं कि जवजात जो भी इंफॉर्मेशन ट्विटर हैंडल पे बताता है वो पब्लिकली जो बताता है उसके अलावा भी कोई तरीका होता है, और भी तरीका है, जो कोई पर्सनल अगर जाता है, कोई जान पहचान होती है तो वहाँ से पता चलता है ये तरीका है, ऐसे भी आप जा सकते हो एग्जिट। तो पूरा प्रोसेस बताऊंगा और आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके कफ़ील को भी पता चलेगा बट वो कुछ कर नहीं सकता है। तो इसमें आपका एक और चीज़ बता दूँ कि आपके ऊपर कोई केस या फिर हुरूब मतलूब ऐसा कुछ भी आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी आप जा सकते हो। तो चलो आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे चले जाना है मकतब अमल में। मकतब अमल में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारा काउंटर होता है, आपको किसी भी एक काउंटर पे जाना है और जा करके वहाँ पे जो जवाजात का ऑफिसर होगा उसको बोलना है कि आपको खुरूज नहाई जाना है, फाइनल एग्जिट जाना है। तो वो आपसे एक सवाल करेगा कि क्या आपने अपने कंपनी अपने कफ़ील को बोला है, तो आपको बस बोलना है कि हाँ मैंने बोला है, और उसके बाद वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ये नहीं बोलेगा कि आप प्रूफ दिखाओ, क्या बोले नहीं बोले, ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा। उसके बाद वो आपका इकामा लेगा और इकामा लेने के बाद आपको जो है एक फॉर्म वो फिल करेगा, और फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो है वो एक नंबर दे देगा, एक दे देगा पेपर, उस पर एक नंबर होगा और वो आपको बोलेगा कि अब आपको जो है 1 महीने बाद फिर से आना है दोबारा। तो आपको अब चले जाना है और उसके बाद जो है वो 1 महीने में जवाजात जो है यहाँ पे जो है ऑफिसर वो मकतब अमल में कंफर्म करता है कि क्या आपके ऊपर कोई केस किसी तरह का कोई हुरूब या फिर कोई भी ऐसा चीज़ तो नहीं है, वो आपका जो है ये सारा कुछ 1 महीने में कंफर्म करेगा। आपको जब दूसरी बार आओगे तो फिर से आपको जो है उसी पेपर पर एक और नंबर वो लिख कर देगा, और उस नंबर पे जो है आपको वहाँ पे जब वो लिख के देगा तो उसके बाद जो है यहाँ मकतब अमल में ये अपडेट भी हो जाएगा कि हाँ आपका जो है अब यहाँ से अब आपका खुरूज लगने वाला है, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा मकतब अमल में। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ से जो है आपको वो पेपर लेकर के डिपोर्टेशन सेंटर चले जाना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये डिपोर्टेशन सेंटर क्यों भेज रहा है, इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो तरहील वाला ऑप्शन होता है डिपोर्टेशन सेंटर, ये हर जगह होता है, और जो मकतब अमल भी हर जगह होता है, आपके आसपास में जहाँ भी हो वहाँ से आपको ये सब काम करना है। तो आपको जो है तरहील सेंटर में जाना है, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ भी ऑफिसर सब रहते हैं, उसके पास आपको जाना है। तो यहाँ पे जाने के पहले आपको पासपोर्ट भी ले लेना है अपना इकामा, और वो पेपर जो पेपर आपको वहाँ से मकतब अमल से मिला है ये तीनों चीज़ ले लेना है, और वहाँ पे जाने के बाद आपको वो पेपर उसको दे देना है। उसके बाद आपका वो पासपोर्ट भी ले लेगा, इकामा भी लेगा, और एक इसके बाद जो है आपको यहाँ पे 10 मिनट से लेके 20, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, इतना टाइम लग सकता है। इसी बीच में आपके जो मोबाइल पे है एक मैसेज भी आ जाएगा खुरूज नहाई का, कि आपका जो है खुरूज नहाई लग चुका है। उसके बाद जो है वो ऑफिसर आपको आ करके आपका पासपोर्ट वापस लौटा देगा, ना ही आपको इकामा देगा, ना वो पेपर देगा। अब आपका जो है एग्जिट लग चुका है यहाँ से, फाइनल एग्जिट। अब आपके पास जो है 2 महीने का टाइम होता है, इस बीच में 2 महीने के अंदर में ही आपको चले जाना है। वैसे वो बोलेगा आपको कि आपको 15-20 दिन में आपको यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि वहाँ पे वो सोचता है अब तो हो गया आपका काम तो आपको निकल जाना है, बट आपका जो है 2 महीने का टाइम होता है फाइनल एग्जिट लगने के बाद। तो यहाँ पे आपको चेक भी कर सकते हो, उसमें आपके पास आपको जो वीज़ा नंबर आता है तो उससे आप चेक कर सकते हो कि आपका कितना दिन का टाइम है, वैसे अफसर में भी जाके आप चेक कर सकते हो। तो इसके बाद जब आप जाओगे तो आपकी कंपनी को आपके कफ़ील को पता चल जाए कि इस बंदे ने एग्जिट लगवा लिया है, बट यहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो आपका वो टिकट देगा यहाँ पे, अगर वो आपको नहीं भेजता है तो उसके ऊपर फ़ाइन आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं भेजे। अगर वो नहीं भेजे आपको वो टिकट नहीं दे, तो आपके पास एक और रास्ता है, आप खुद से एक साइट का जो टिकट है वो बनवा लेना और आप जा सकते हो। ज़्यादा परेशान बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं मेरे को कफ़ील नहीं भेज रहा है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है, मेरा एक कामा एक्सपायर है,
तो ये था एक तरीका जिससे जो मैंने आपको बताया कि हाँ आप इस तरीके से जा सकते हो। ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते थे कि भाई मुझे एग्जिट जाना है, मेरा एक काम है एक्सपायर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर है, बट कंपनी नहीं भेज रही है, कोई तरीका बता दो कैसे जाऊँ। तो ये मैं बता दूं आपको कि ये वीडियो का क्रेडिट जो है जिया व्लॉग को जाता है, वहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है वो भाई से, और इसके बाद जो है आपको मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था आप लोग को भी पता चले। बहुत सारे लोग मुझसे भी सवाल करते हैं कि भाई मुझे कैसे जाना है, तो ये जो है ये एक तरीका है जिसको आप फॉलो करोगे तो आप आराम से जा सकते हो एग्जिट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को कर देना लाइक, अगर चैनल पे नए हो पहली बार देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।